जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। हम आज बात करने वाले हैं कि ज़िंदगी बदल देगी, बदल देगा, ये बातें। हम सबसे पहले अपने जीवन में खुद को पहचानें। खुद को पहचानने से मेरा सीधा सा अर्थ है कि आप में क्या योग्यता है, क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, आप में कौन कौन सी कला है, आपका आपकी रुचि किधर है और आपके मन को क्या अच्छा लगता है। ये खुद को पहचानना ज़रूरी है। हम क्या पसंद करते हैं, क्या चीज़ें हमें नहीं पसंद है, हमें हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे में कौन सी कमियाँ हैं और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही एनालिसिस करना है जैसे कि हम दूसरों का एनालिसिस करते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो खास होते हैं। बस उसी खास नज़रिए से खुद को आप एनालिसिस करें, आप पाएंगे आपकी अच्छाइयाँ पाएंगे, हमें ये चीज़ें अच्छी हैं, हमें ये तमाम चीज़ें खराब हैं और इन पर हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल बेसिक चीज़ें, इसको करने के बाद आप को बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी खुद के बारे में कि हम कैसे हैं, क्या है, क्या नहीं है। अब दूसरी स्टेप यही आएगी, जो चीज़ें आपको पसंद है उन पर आप काम करें। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि हम हमारा कोई सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई और कोई से भी समय करता है, और जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एक बेस्ट पॉइंट है कि पढ़ने के साथ साथ अपनी कला को, अपने में जो रुचि है उन्हें भी आप टाइम दे पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि ये दूसरी बात, इसमें कंपटीशन मत रखिए आप किसी के साथ कि ये ऐसा है या ये है वो। आप अपनी अलग पहचान को आइडेंटिफाई करना है, अपनी एक अलग पहचान हमें बनानी है। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा क्लियर रखें। अगर आप तुलनाओं में जाएंगे कि ये ऐसा, तो फिर कॉपी होने लग जाएगा, और जहाँ कॉपी होने लग जाएगा वहाँ पर आप खुद का एनालिसिस उसके साथ करेंगे, वो एक आपके आपके सामने एक पैरामीटर हो जाएगा कि ये है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति के बीच एक नई कला होती है, नई चीज़ें होती हैं, और वो तमाम चीज़ें बार बार करने के बाद एक नए स्तर तक पहुंचती है। तो ये बात हमेशा क्लियर रखें। तीसरी बात है खुद को पहचानना, जो मैं कह रहा हूँ वो, खुद को वक्त देना। हम चाहे अपना वक्त किसे भी दें, लेकिन खुद को कुछ ना कुछ वक्त ज़रूर दें, क्योंकि आप जब तक खुद के करीब नहीं रहेंगे तब तक बहुत सी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी अलग नहीं चीज़ें। चौथी बात है जो सबसे ज़्यादा आज के युवाओं के लिए है, वो है सफलता बिल्कुल जल्दी नहीं मिलती है। सफलता के लिए कई प्रयत्न करने पड़ते हैं, कई संसाधन जुटाना पड़ते हैं, कई सारी योग्यताओं को निखारना पड़ता है, फिर जाकर सफलता मिलती है। और ये तय बात है कि सफलता मिलना तय है, पर ये कब मिलेगी ये बिल्कुल टाइम तय नहीं है। सफलता हर व्यक्ति को मिलना तय है, वक्त डिसाइड नहीं है। क्योंकि हमारी मेहनत, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं, और सफल हो जाने के बाद उस सफलता को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सफल वही व्यक्ति होता है जो उस सफलता को बनाए रखने के लिए डिजर्व करता है। अब आप सफल हो गए और उस सफलता को बनाए नहीं रखेंगे तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बात है जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, जिन पर आपको सोचना चाहिए। और बेसिक्स बिल्कुल सामान्य, इस पर इतना दिमाग को, इतना भारी भरकम सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल सामान्य सोचें, सरल सोचें और शांति से जीवन यापन करें। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल लिखें, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।